किसान का बेटा, खेती बाड़ी करते थे, एक सपना बिल्ड हुआ क्या वहां टू बिकम द कॉलेज लेक्चरर ऑफ पंजाबी। मैं तो बोलता था ऑफ पंजाबी, मेरे प्रोफेसर बोलते थे इतने सेंटेंस काफी है, आई वांट टू बिकम द कॉलेज लेक्चरर, तो वो काट देते थे मेरे ऐसे में जब एम ऑफ लाइफ लिखते थे। मैं घर जाकर फिर लिख लेता था कि बनना ही पंजाबी का है। बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, मौका लगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो कामयाब बंदा है जी शायद वैसी हो गया। दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान को जब आप देखोगे, अगर हमें समझ नहीं होगी तो हम पता क्या बोलेंगे, इसकी किस्मत अच्छी होगी, अच्छे घर में पैदा हुआ होगा, इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, पढ़ा लिखा होगा, फलाना फलाना। मतलब हम अपने मन को संतुष्टि देते हैं, अपने मन को सेटिस्फेक्शन करते हैं, ये इसलिए हो गया, मैं इसलिए नहीं हुआ ना। तो हमने क्या कर दिया, अपने आप को अपाउंट कर दिया। क्या कर दिया? अपने आप को सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर लिया? अपने आप को शांत कर लिया। क्या कर लिया? अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया, अपनी पावर को खत्म कर दिया, अपने अंदर के हनुमान को बाहर निकलने नहीं दिया, अपना पानी था जो नलका वो और गिरा दिया। तो जब पानी और गिरा देंगे तो फिर जग लगेगा ना, उसी नल के अंदर, पाइप के अंदर जब पानी नहीं आता जग लग जाता है, बोकी जो होती है उसकी प्लास्टिक की वो गल जाती है, फिर वो पानी बाहर निकालने के काबिल नहीं रहती। सिमिलरली वी कैन से दैट हमारे साथ भी ऐसा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे दोस्तों का कुछ दायरा ऐसा है, आप देखो कुछ दायरा ऐसा है कि वो हमेशा ही नकारात्मक की बातें करेंगे। क्या करना है यार, दो खुल के तो खाने, सिकंदर भी तो खाली हाथ गया। वो सिक्के का हमेशा एक ही पहलू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम शांत हो जाएंगे, हमारे अंदर की ताकत को वो मार देंगे। मैं प्रोफेसर रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो क्या मैं बाहर से कोई चीज उनके अंदर डालता था? जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, जब शिक्षा लेते हैं, तो क्या बाहर से कुछ अंदर डाला जाता है? सब कुछ हमारे भीतर होता है, उसको जगाया जाता है। हनुमान जी का भी जगाया था ना जामन, उनको भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी पावर है। जितने लोग, जितने कामयाब लोग, उनकी हिस्ट्री आप उठाएंगे, उसमें आप क्या पाएंगे कि उनके अंदर का जो जज्बा था, जो जुजारू जज्बा था, जो उसका ना हार मानने वाला उसका नजरिया था, जो उसके अंदर की पावर थी, उसको जगाया गया। एबीसी अंदर से निकली ना। कई बार पता है वो टीचर गुस्से पे बोलता, तेरे को याद नहीं होता, बोल के पिला दूं, बोलता ना गुस्से से। तो इसका क्या मतलब है? सब कुछ हमारे अंदर है, उसको जगाना पड़ता है। अब फैसला आपका है, जगाना है कि दबाना है? हाँ जी, जगाना है कि दबाने आए हो? जगाना है। क्योंकि देखो, हम ना तो मैं कुछ सिखाने आया, ना आपको सीखने आया है, ये अपने मन से निकाल, छोटा बड़ा मोटा काला इंटेलिजेंट कम इनकम ज्यादा इनकम कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि दुनिया को अगर इंसानियत का पाठ पढ़ाया है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़ाया, नहीं तो बाकी समाज में तू छोटा, तू प्रोफेसर, तू पियन, ऐसे है ना, तू मुसलमान, तू हिंदू, तू सिख, मेरी बात कौन सुन कर रहे? एक और केवल एक ही प्लेटफार्म है जिसमें हम सब एक हैं, आपको समानता का अधिकार मिलता है, चाहे आप 10 बार प्लस टू में फेल हो गया है तो आपको इधर उतना ही मान सम्मान और तालियां मिलेगी। ये तालियां मिलेगी, बजा रहे हो सबके लिए, बजा रहे हो, ईमानदारी की बात हो रही है, बराबरता की बात हो रही है, तो फिर ताली फुल के बजनी चाहिए। yes! ठीक है। शांत कर लो अपने आप को, रिलैक्स हो। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं हमने करनी, आम नॉर्मल बातें करती तो हमने होता है। दबाने का काम हमारी सोसाइटी कर रही है। क्यों सर? मैं अगर जहां मैं गलत हूं आप बता दो, अगर आपको समझ आती है ना तो ऐसे करते जाइए, मुझे पता लगता है कि बात आगे, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर यहां फिट हो जाए।